हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल शिप्रा तिरे पर। दोस्तों, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या होगा। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स के ऊपर। हैप्पी वुमेन्स डे। सबसे पहले तो सभी महिलाओं को हमारी ओर से वुमेन्स डे की यानी महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का हमारा टॉपिक है वुमेन्स डे के ऊपर, और इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वो भी कवर करेंगे, और वुमेन्स के बारे में जानकारी भी लेंगे, और इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है इसकी भी हम जानकारी इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने के हेतु इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। कुछ क्षेत्रों में यह दिवस अपना राजनीतिक मूल स्वरूप खो चुका है, और अब यह मात्र महिलाओं के प्रति अपने प्यार को अभिव्यक्त करने हेतु एक तरह से मातृ दिवस और वैलेंटाइन डे की तरह बस एक अवसर बनकर रह गया है। हालांकि अन्य क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा चयनित राजनीतिक और मानवाधिकार विश्व स्तर उसके साथ महिलाओं के राजनीतिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए अभी भी इसे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। कुछ लोग बैंगनी रंग के रिबन पहनकर इस दिन का जश्न मनाते हैं। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद यह फरवरी के आखिरी इतवार यानी संडे के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख ध्येय महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। यह हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार दिए। उस समय रूस में जेलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगेरियन कैलेंडर चलता था। इन दोनों की तारीख में कुछ अंतर है। जलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार यानी संडे 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगेरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च थी। इस समय पूरी दुनिया में, यहां तक कि रूस में भी ग्रेगेरियन कैलेंडर चलता था। इसीलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रसिद्ध जर्मन एक्टिविस्ट क्लारा जेटकिन के जोरदार प्रयासों के बदौलत इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस ने साल 1910 में महिला दिवस के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप और इस दिन पब्लिक हॉलिडे को सहमति दी। इस फलस्वरूप 19 मार्च 1911 को पहला इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी IWD ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और जर्मनी में आयोजित किया गया। हालांकि महिला दिवस की तारीख को साल 1921 में फाइनली बदलकर 8 मार्च कर दिया गया। तब से महिला दिवस पूरी दुनिया में 8 मार्च को ही मनाया जाता है। दोस्तों, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि 8 मार्च 2020 को जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या रखी थी। तो इंग्लिश में पहले जानते हैं कि उस दिन उसकी थीम क्या थी। तो उसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स। और अगर हिंदी में इसे जाने तो 2020 में जो था जनरेशन इक्वलिटी, महिलाओं के अधिकारों को महसूस कर रही हूं, ये 2020 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी। अब हम जानेंगे कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि भारत में जो पहली महिला जिसने कुछ चीज हासिल की हो, और फिर उसके बाद जानेंगे कि विश्व की पहली महिला जिसने कुछ चीज हासिल की हो। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी, पहला महिला विश्वविद्यालय, महर्षि कर्वे SNDT यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे में खोला गया था मात्र 5 स्टूडेंट्स के साथ 1916 में। अगली बात करें तो अगली भारतीय महिला,
जो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट बनी थी, विजया लक्ष्मी पंडित 1953 में। भारत की पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 2014 में बनी थी और 2019 में सुषमा स्वराज का निधन हुआ है। फर्स्ट वुमेन यंगेस्ट मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट, किसी राज्य की सबसे युवा मंत्री सुषमा स्वराज ही थी। वे हरियाणा की मात्र 25 साल में मंत्री चुनी गई थी। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका आंसर है सरोजनी नायडू, जिन्होंने यूनाइटेड प्रोविंस का अर्थात उत्तर प्रदेश का चार्ज लिया था। अगला है फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, जो कि 1966 में बनी थी। भारत की पहली आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, किरण बेदी थी, जो कि 1972 में बनी थी। नोबल पीस प्राइज से सम्मानित पहली महिला मदर टेरेसा हैं, 1979 में बनी। 1979 में इनको यह अवार्ड दिया गया था, शांति का पुरस्कार दिया गया था इन्हें, नोबल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल, 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया था। बुकर प्राइज से सम्मानित पहली भारतीय महिला हैं अरुंधति रॉय, 1997 में इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब के लिए बुकर अवार्ड दिया गया था। पहली महिला राष्ट्रपति भारत की कौन है दोस्तों? प्रतिभा पाटिल, और अभी तक एकमात्र महिला राष्ट्रपति ही हैं जिनका नाम है प्रतिभा पाटिल। 2007 से 2012 इनका कार्यकाल रहा है। अगली बात करें, पहली लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को बनाया गया था 2009 में। पहली भारतीय महिला जो मिस वर्ल्ड बनी थी, मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला थी रीता फारिया, 1966 में बनी थी। पहली भारतीय महिला जज सुप्रीम कोर्ट की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला जज थी मीरा साहेब फातिमा बीबी। फर्स्ट वुमेन एम्बेसडर, दोस्तों यहाँ एम्बेसडर यानी राजदूत की बात की गई है, तो भारत की पहली विदेश राजदूत थी सीबी मुथम्मा। पहली भारतीय महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार पार किया था, तो वो थी, जिसकी चढ़ाई माउंट एवरेस्ट की 2 बार की थी, तो वो थी संतोष यादव। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष मिस एनी बेसेंट, ये क्वेश्चन भी काफी बार आ चुका है। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला चीफ मिनिस्टर ऑफ एन इंडियन स्टेट, किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये थी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन बैथ्यू। पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ये भारत की पहली महिला थी जो कि DGP बनी थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीता अरोरा थी। भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय थी। पहली महिला अध्यक्ष इंडियन एयरलाइंस की सुषमा चावला थी। पहली और आखिरी मुस्लिम रूरल ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली की पहली और आखिरी मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना, सभी जानते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। भारत की पहली महिला जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था वह है निर्जा भानोट। निर्जा भानोट के ऊपर एक मूवी भी बनी थी जिसमें उनका किरदार सोनम कपूर ने निभाया था। नेक्स्ट है, पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया था वो है आरती साहा। पहली भारतीय महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वे हैं इंदिरा गांधी।
नेक्स्ट भारतीय महिला जिन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था वो है आशा पूर्णा देवी, पहली महिला हेडमिस्ट्रेस इन ए स्कूल, किसी स्कूल में पहली महिला शिक्षक शिक्षिका वो है सावित्री बाई फुले, पहली भारतीय महिला जो अंटार्कटिका तक पहुंची थी वो है माहेल मूसा, फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम एन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी, IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी की पहली भारतीय महिला जो मेंबर बनी हो वो है नीता अंबानी, जो 2016 में बनाई गई हैं। पहली भारतीय महिला जिन्होंने सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी फतेह की है वो है प्रेमलता अग्रवाल, इन्होंने 2008 से 2013 के बीच में सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटियां हासिल की हैं, फतेह की हैं। पहली भारतीय महिला जो विकलांग मानी जाएंगी और वो जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया है वो है अरुणिमा सिन्हा, पहली भारतीय महिला जो विकलांग है और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है वो है अरुणिमा सिन्हा, फर्स्ट ट्विंस एवर जिन्होंने पहली ट्विंस जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतेह किया है वो है ताशी एंड नैन्सी मलिक, भारत की पहली महिला जिन्हें लंदन रॉयल सोसाइटी में साइंटिस्ट चुना गया था वो है गगनदीप कांग। नेक्स्ट भारत की पहली महिला जो जिन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला था, जो कि रक्षा मंत्री बनी थी, वो है निर्मला सीतारमण, फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि पहली भारतीय महिला जिन्होंने वित्त मंत्रालय का कार्यकाल संभाला हो वो है निर्मला सीतारमण, पहली भारतीय महिला जो रक्षा मंत्रालय जिन्होंने संभाला वो भी निर्मला सीतारमण है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री भी निर्मला सीतारमण है जिन्होंने वित्त मंत्रालय संभाला है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस भारतीय महिला ने सबसे पहले प्रधानमंत्री के पद पर रहकर वित्त मंत्रालय संभाला है तो वो है इंदिरा गांधी, और फुल टाइम अगर पूछा जाता है तो निर्मला सीतारमण जी आंसर होगा। पहली भारतीय महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी वो थी सुषमा स्वराज, और ये भारत की पहली विदेश मंत्री भी थी। नेक्स्ट बात करें तो पहली वुमेन IAS ऑफिसर लेकिन विकलांग इम्पैर्ड वो है प्रांजल पाटिल। आगे बात करें दोस्तों तो फर्स्ट इंडियन वुमेन इन स्पेस जो पहली भारतीय महिला जो अंतरिक्ष में गई थी कल्पना चावला, जिनके बारे में सभी जानते हैं। अगली बात करते हैं तो फर्स्ट एवर इंडियन वुमेन टू विन अ वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, जिसने WTA का टाइटल जीता हो, वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन वो थी सानिया मिर्जा, 2005 में इन्होंने WTA का टाइटल जीता था। पहली भारतीय महिला जो रैंक 1 पर थी WTA डबल्स रैंकिंग पर, कभी 2015 में थी ये फर्स्ट रैंक पर सानिया मिर्जा। पहली भारतीय महिला जिन्होंने बैडमिंटन के ओलंपिक्स में एक मेडल जीता हो वो थी सानिया नेहवाल, जो 2012 में जीता था जिन्होंने। पहली भारतीय महिला जो वर्ल्ड रैंकिंग में कभी नंबर 1 पर आई थी वो थी सानिया नेहवाल, 2015 में ये वर्ल्ड में पूरे विश्व में पहले स्थान पर थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स, दोस्तों बॉक्सिंग में पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था वो है मेरी कॉम, और इनका ओरिजिनल नाम मांगते शुनगेन जैंग है, जो कि 2014 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था। मैरी कॉम ने विश्व की 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है। मैरी कॉम भारतीय महिला है जो 2012 में ओलंपिक्स के लिए, एकमात्र महिला है जो कि 2012 में ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया था जिन्होंने। पहली भारतीय महिला IAS ऑफिसर अन्ना राजम मल्होत्रा को बनाया गया था। पहली भारतीय महिला पायलट इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरिता कौर देओल को, 1994 में बनी थी। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ज्वाइन द इंडियन आर्मी, भारत की इंडियन आर्मी ज्वाइन करने वाली पहली भारतीय महिला थी प्रियान झिंगान, प्रियान झिंगान जो कि 1993 में जिन्होंने भारतीय थल सेना ज्वाइन की थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला
जो मुख्य न्यायाधीश बनी थी किसी उच्च न्यायालय की, वो थी लीला सेठ 1991 में। पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पुनीता अरोरा 2005 में। पहली भारतीय महिला जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज ITLOS की जज बनी है वो है नीरू चड्ढा 2017 में। समर पैरा ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स दोस्तों विकलांगों के लिए किया जाता है, जिसमें सिर्फ एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने सिल्वर जीता था पैरा ओलंपिक गेम्स 2016 में वो थी दीपा मलिक। शॉट पुट गोला फेंक के लिए इन्होंने 2016 में दीपा मलिक ने समर पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर जीता था। द फर्स्ट मिस यूनिवर्स, भारत की पहली महिला जो मिस यूनिवर्स बनी थी वो थी सुष्मिता सेन, 1994 में बनी थी। द फर्स्ट फीमेल इंडियन मेट्रो पायलट, मेट्रो पायलट सबसे पहले बनी थी प्रियंका एन 2011 में। पहली भारतीय महिला ऑफिसर जिन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया था उनके साहस के लिए 2011 में मिताली मधुमिता। पहली भारतीय महिला कॉम्बैट ऑफिसर कमीशन बाय BSF कौन थी, तो वो थी तनुश्री पारेख 2017 में। द फर्स्ट इंडियन वुमेन लोको पायलट और रेलवे ड्राइवर, पहली भारतीय महिला थी सुरेखा यादव 1986 में। पहली भारतीय महिला जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता था वो है कमलजीत संधू 1970 में। रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय महिला थी कमला देवी चट्टोपाध्याय 1966 में। पहली भारतीय महिला जज किसी हाई कोर्ट की वो थी अन्ना चेंडी 1959 में बनाई गई थी। पहली भारतीय महिला जिन्हें केसरी ए हिंद से के सम्मानित किया गया था वो है पंडिता रामाबाई 1919 में, 1919 में। पहली भारतीय महिला गोल्फर जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर जीता था वो थी अदिति अशोक 2019 में। सबसे युवा भारतीय महिला जिन्होंने लेडीज यूरोपियन टूर जीता था 2019 में दिशा डागर ने 2019 में लेडीज यूरोपियन टूर जीता था। इन दोनों ने अलग अलग कैटेगरीज में गोल्ड जीता मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट, पहली भारतीय महिला जिसे किसी भारतीय यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है वह है असीमा चटर्जी 1944 में। पहली भारतीय महिला जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द कंट्रीज फर्स्ट कैबिनेट यानी मंत्री बनाया गया हो वो थी अमृत कौर 1947 में बनी थी पहली भारतीय महिला। पहली भारतीय महिला फिजिशियन थी आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो कि 1887 में बनी थी। भारत की पहली ऑटो रिक्शा ड्राइवर महिला शीला डावरे 1988 में बनी थी। पहली भारतीय महिला एथलीट जिन्होंने गोल्ड जीता था वुमेन्स की 400 मीटर फाइनल रेस में IIAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में वह है हिमा दास। 2018 में इन्होंने ये मेडल जीता था और हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और यह असम राज्य से संबंधित हैं। और दोस्तों ढिंग एक्सप्रेस इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि असम में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ढिंग। पहली भारतीय महिला जिन्हें शूटिंग में गोल्ड मिला था एशियन गेम्स में वो है राही सरनोबात जो कि 2018 में जीती थी। पहली भारतीय महिला जिन्होंने फ्यूचर ऑफ नेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था वह है दिव्या कर्नाद 2019 में। पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्होंने T20 में सेंचुरी लगाई है यानी कि 100 यानी कि 100 रन पूरे किए हैं शतक लगाया है वह है हरमनप्रीत कौर 2019 में। पहली भारतीय महिला जिन्हें ICC इंटरनेशनल पैनल ऑफ मैच में रेफरी के तौर पर अपॉइंट किया गया है वो है GS लक्ष्मी जो 2019 में अपॉइंट की गई हैं। पहली भारतीय महिला जो नेशनल एम्पायर बनी है T20 कॉन्टेस्ट में वह है वर्णदा राठी 2019 में। राजीव गांधी खेल रत्न और ओलंपिक मेडल से सम्मानित पहली भारतीय महिला हैं कर्णम मलेश्वरी
जो कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। पहली भारतीय महिला पायलट इंडियन नेवी की शिवांगी स्वरूप हैं, जो कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर से बिलोंग करती हैं। पहली भारतीय महिला पायलट जो इंडियन एयरफोर्स की एक मिशन में ग्रुप में शामिल हुई थी और उन्होंने फाइटर जेट उड़ाया था, वह है फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कांत। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट, तो वो हैं अवनी चतुर्वेदी, जिन्होंने फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 बिसन सोलो उड़ाया था। अब दोस्तों बात करेंगे फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली महिला, तो फर्स्ट वुमेन इन स्पेस। तो सबसे पहले कौन सी महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी, तो वो है वैलेंटिना टेरेस्कोवा, जो कि USSR देश से हैं। नेक्स्ट है पहली महिला जिन्होंने अटलांटिक क्रॉस किया था अकेले सोलो फ्लाइट से, तो वो है एमेलिया एयरहार्ट USA से। पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था वो थी जुंको तबेई, जो कि जापान की थी। पहली भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता था वो थी चारलोटे कॉपर, जो कि इंग्लैंड की थी। पहली महिला प्रधानमंत्री इन द वर्ल्ड, दोस्तों किसी देश की पहली प्रधानमंत्री थी सिरिमावो भंडार नायके, जो कि श्रीलंका देश की बनी थी। श्रीलंका देश की पहली प्रधानमंत्री बनी थी दोस्तों, पूरे विश्व में सबसे पहला देश था श्रीलंका जहां पर पहली प्रधानमंत्री बनी थी, वो थी सिरिमावो भंडार नायके। नेक्स्ट पहली अमेरिकन महिला जो अंतरिक्ष में गई थी वो थी सैली राइड USA की। पहली महिला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर पेगी विट्सन थी, जो कि USA की थी। पहली महिला जो स्पेस शटल की कमांडर बनी थी वह थी एलिन कॉलिंस USA की। पहली महिला जो मुसलमान थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल बनी वह थी इरेना जुबैदा खान बांग्लादेश की। पहली महिला राष्ट्रपति थी इजाबेल पेरोन, जिनका कार्यकाल 1974 से 76 तक रहा और यह अर्जेंटीना देश की राष्ट्रपति बनी थी। पहली महिला मुसलमान जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वह थी शीरन इबादी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था 2003 में और यह ईरान से संबंधित हैं। पहली महिला स्विमर जिन्होंने सातों महासागर क्रॉस करे थे वह हैं बुला चौधरी और यह भारतीय हैं। पहली महिला जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी वह थी विजया लक्ष्मी पंडित और यह पहली भारतीय महिला भी थी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला जो पायलट थी वह थी रेमोंडे दे लराके। नेक्स्ट है पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था वह थी हैरियट कुम्बी, जो कि 1912 में इन्होंने इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। अगली है पहली महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में वॉक किया था वह है स्वेतलाना सवित्स्किया, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गई थी। पहली महिला जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था वह थी मैडम क्यूरी, इन्होंने 1909 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता था। फ्रेंड्स फोर्ब्स हर साल 100 पावरफुल महिलाओं की एक लिस्ट जनरेट करता है, जारी करता है, जिसमें से कि सबसे पावरफुल महिलाओं के बारे में, विश्व की सबसे पावरफुल महिलाओं के बारे में बताया जाता है। अब हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर है 2019 की जो सबसे लेटेस्ट लिस्ट है उसमें सबसे पहले नंबर पर है एंजेला मार्केल। एंजेला मार्केल जर्मनी की चांसलर है। एंजेला मार्केल पहली महिला चांसलर हैं जर्मनी की, जिनका कार्यकाल 2005 से शुरू हुआ था और अभी उनका यह फोर्थ टर्म है। विश्व की दूसरी सबसे पावरफुल महिला हैं क्रिस्टिन लगार्डे, यह यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं और यह पहली महिला अध्यक्ष हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक की, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2019 से शुरू हुआ था। तीसरी पावरफुल महिला है नैन्सी पेलोसी, जो कि यूनाइटेड स्टेट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर का पद संभाले हुए हैं।
अब बात करते हैं भारतीय के बारे में कि 100 पावरफुल महिलाओं में भारतीय महिला की रैंक कहाँ पर है। तो 54 रैंक पर है, 54th रैंक पर है रोशनी नडार मल्होत्रा। मल्होत्रा HCL कॉरपोरेशन की CEO हैं और HCL टेक्नोलॉजीज की वाइस चेयरमैन। 54th रैंक के बाद 65th रैंक पर है किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ की कंपनी का नाम बायोकॉन है, जो कि बायोफार्मास्यूटिकल फर्म है और यह 1978 में स्थापित की गई थी। हाल ही में इन्हें USFDA द्वारा बायोसिमिलर ड्रग्स यूज करने का इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दी गई है, जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए उपयोग में आता है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और अगर आपको वुमेन्स डे पर महिलाओं के ऊपर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए शिप्रा तिरे को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हैप्पी वुमेन्स डे। थैंक यू।